आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभित चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में इंडिया गठबंधन के 80% बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उन्हें कोई परहेज नहीं है और वे हरियाणा में साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस पर कल विचार किया जाएगा और उन्हें भी निमंत्रण भेजा जाएगा। देवीलाल सम्मान समारोह में इंडिया गठबंधन के 80% नेता शामिल होंगे, जिनमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, सत्यपाल मलिक, उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल, जयंत चौधरी, हनुमान बेनीवाल समेत अनेक दिग्गज शामिल होंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। हरियाणा की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को बेइज्जत और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। वह विधानसभा चुनाव में 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मेवात हिंसा मामले पर उन्होंने कहा कि अगर षड्यंत्र पहले से रचा था तो सरकार गहरी नींद क्यों सो रही थी। बजरंग दल और गो सेवकों को इस मामले में लेकर बदनाम किया जा रहा है। आरएसएस एक संस्थान नहीं बल्कि गुंडा पार्टी है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा के बाद भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा हरियाणा छोड़कर राजस्थान की ओर भाग रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम भारत बदलकर भाजपा चर्चा में रहना चाहती है। संविधान कभी नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मेक इन इंडिया का नारा दिया था। सनातन धर्म को डेंगू बताने वाले बयान पर अभित चौटाला ने भाजपा को कोड़ बताया। रेवाड़ी की दुर्दशा का भी उन्होंने भाजपा को ही जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को ठेका दिलवाकर भाजपा लाभ पहुंचा रही है। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभित चौटाला रेवाड़ी के मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। तो क्या इस मामले में सच सामने आएगा जनता का? हर हालत में हम बहुत निष्पक्ष हैं इन चीज़ों में। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी कोई दोषी होगा उसको बख्शेंगे। इंडिया शब्द को भारत के नाम से आप जाने जाने लगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? संविधान कैसे बदला जा सकता है? इस प्रधानमंत्री ने समय में ये बात कही थी, मैं मेक इन इंडिया बनाऊंगा। कहा था कि कहा था, तो फिर ये कैसे नाम बदल सकते हैं? ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करते हैं भाजपा के लोग, ताकि एक चर्चा का नया विषय बन जाए। एक नया विषय बनाना चाहते हैं इंडिया और भारत के बीच में। इंडिया को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से नहीं। हम भारत के नाम से भी जानते हैं, हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस किस्म की बातें कह करके आप देश में भ्रम पैदा नहीं कर सकते। नहीं भ्रम पैदा होगा। आप इंडियन कहलाना, भारतवासी कहलाना, हिंदुस्तानी कहलाना, तीनों में से कौन सा पसंद करोगे? हर नागरिक कहता है मैं इंडियन हूँ, हर नागरिक कहता है मैं भारतवासी हूँ, हर नागरिक कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमें गर्व होना चाहिए इन चीज़ों पर, ना कि ऐसी चीज़ों पर विवाद खड़ा करना चाहिए। बीजेपी जेजेपी टिकर रहेगा, क्या देखते हैं? आपका एक लंबा अनुभव है तमाम लोगों के बीच में, रहने लंबे समय से आप एक मैसेज भी मिला होगा। जेजेपी का भविष्य तो आपको स्वयं दिखाई नहीं देता। हमारी इस परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा छोड़ राजस्थान का रुख कर लिया उन्होंने। जो कोई वोटर था जो हमारी पार्टी से टूट करके किसी गलतफहमी की वजह से उनके साथ गया, वो आज वापिस आ गया हमारे साथ। अब तो कुछ स्वार्थी चंद लोग हैं, अब उनको अगर यहाँ अपना कोई भविष्य नजर आता तो चुनावी ये तो यहाँ है, फिर तो यहाँ भागदौड़ ज़्यादा करते। मुख्यमंत्री के मैंने बताया कि बीजेपी को 10 सीट भी नहीं आ सकती, और ये 00 में रहेंगे।
मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सब बात चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस में भी अलग चर्चाएं, बीजेपी में भी अलग चर्चाएं, इनेलो की तरफ से अगर आपको मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है तो प्रदेश की जनता को क्या पहला तो दे? मुझे बना तो दे एक बार फिर बताऊंगा। सर बहुत धन्यवाद। निरीक्षण करने पहुंचे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे मीडिया सेंटर का? निरीक्षण करने पहुंचे थे, सरकार का इससे ज़्यादा बड़ा दिवाड़ा नहीं पीट सकता कि जो सेंटर मीडिया के लोगों के लिए बनाया गया और उस सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात रख सकता है। मुझे अभी DPR मिला बाहर और DPR कह रहा था जी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आप प्रेस के लोगों से बात नहीं कर सकते, उसके बाप की बेपोती है, सरकारी प्रॉपर्टी है और हम इस सरकार से एक विधायक के नाते मैं हर चीज़ की जानकारी ले सकता हूँ। ये तो मीडिया सेंटर है, मैं DC के ऑफिस का भी निरीक्षण कर सकता हूँ। जो आपका एक MLA का जो प्रोटोकॉल रखा गया है वो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। इस DPR को बजाय मुझे इसमें अंदर आने से रोकने के उसकी और जिम्मेवारी बनती थी, उसको निभाना चाहिए था। मैं इसके बारे में लिखूंगा, स्पीकर को भी लिखूंगा और मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। अधिकारों का आनंद नहीं, कौन होता है ये रोकने वाला? इसका काम मेरा वेलकम करना था, इसका काम मुझे रोकना नहीं था। इसको इस बात की समझ नहीं है कि तू किस चीज़ की तनख्वाह लेता है। तुझे जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई है, ये तो आप देखना। आप लोगों के सामने किस तरह की सफाई देगा कल, जब इसको विधानसभा में तलब किया जाएगा तब इसको पता होगा, इसको एहसास होगा कि नौकरी क्या होती है। सर खेल मंत्री संदीप सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत ले ली। मुख्यमंत्री ने अगर वो दोषी नहीं होता तो उसको अग्रिम जमानत देने की जरूरत नहीं थी। दोषी हो गया नहीं हो गया तो फिर कोई आदमी दोषी साबित हो जाए क्या वो मंत्री के पद पे रह सकता है? सर बचाना क्यों चाह रहा है, मजबूरी क्या रखी है? ये मुख्यमंत्री से कुछ बताए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।